हेलो बच्चों, तो आज जो चैप्टर मैं आप सब लोगों के साथ में डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसका नाम है विभिन्न प्रकार के पदार्थ। पदार्थ समझते हो ना आप लोग? पदार्थ का मतलब यहाँ पर क्या है? पदार्थ का मतलब है मैटेरियल। और ये है चैप्टर नंबर 4। बिहार बोर्ड के जो बच्चे क्लास 6 की पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी विज्ञान की किताब है, जिसका नाम ही है विज्ञान भाग ए। तो उसका ये चैप्टर नंबर 4 है। वैसे इस चैप्टर में जो कुछ भी बातें कही गई हैं, जो भी डिस्कशन किया गया है, उसे एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड को फॉलो करने वाले बच्चे भी समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अगर उनकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है तो। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इस चैप्टर में वही सारी बातें हैं जो चैप्टर नंबर 4 में एनसीईआरटी की साइंस की बुक में है क्लास 6 के लिए। और उस चैप्टर का नाम वहां पर है सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, मटेरियल्स को, पदार्थों को अलग अलग कैटेगरी में बांटना। और हम लोग यहाँ पर वही चीज पढ़ने जा रहे हैं हिंदी में, विभिन्न प्रकार के पदार्थ। तो आज सुबह स्कूल आने से पहले आपने बहुत कुछ किया होगा, जैसे आपने कोई पुस्तक पढ़ी हो, कुछ खाया हो, कोई दैनिक गतिविधि की हो। इन एक्टिविटीज में आपने किन-किन वस्तुओं का इस्तेमाल किया होगा, और ये वस्तुएं हमें कहाँ से मिलती है? कभी सोचा है क्या ये प्रकृति में इन्हीं रूपों में पाई जाती है? क्या हम इन्हें बनाते हैं? और अगर हम इन्हें नहीं बनाते हैं तो किन वस्तुओं से इन्हें बनाया जाता है? सपोज करो कि आपका जो क्रिकेट का बैट है, जो लकड़ी का ही है ना, लेकिन गेंद गेंद किस पदार्थ से बनी हुई है, सोच करके देखो। अच्छा, एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। आपको ना इस प्रयोग में जितनी भी चीजें इस्तेमाल करनी है उसे एक टेबल में नोट करना है, और प्रत्येक वस्तु किन-किन पदार्थों से बनी है उसको भी हम इस टेबल में भरेंगे। तो टेबल में कॉलम क्या-क्या रखने हैं? आप कॉलम रख सकते हो सीरियल नंबर, ठीक है, वस्तुओं के नाम, और वो वस्तुएं किन चीजों से बनती हैं। जैसे कि एक नंबर में रखेंगे हम लोग गिलास। तो गिलास किस चीज से बनता है भाई? ये स्टील का हो सकता है, तांबे का हो सकता है, शीशे का हो सकता है ना, प्लास्टिक का भी हो सकता है। और आजकल तो ये कभी कभी छोटे छोटे गिलास होते हैं ना, मिट्टी के बने भी हो सकते हैं, कागज का भी बना होता है, जिसमें लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, थोड़ी सी चाय पीते हैं, है ना। तो आपको इसमें चीजों के नाम लिखने हैं, ग्लास, पुस्तक, कुर्सी, इस तरह की बहुत सारी चीजें। और आप इनके सामने में सोच करके लिखोगे कि ये चीजें आखिर किन-किन चीजों से बनती हैं। और इसके लिए आप अपने दोस्तों के साथ में, मम्मी पापा के साथ में, भाई बहन के साथ में भी डिस्कशन कर सकते हो। अच्छा, अब एक और एक्टिविटी चाहो तो आप कर सकते हो। जरा सोच करके देखो कि आपके आसपास में जो चीजें हैं, कुछ चीजें पेपर से बनी होंगी, कुछ प्लास्टिक से बनी होंगी, और कुछ धातुओं से बनी होंगी। धातु मेरा मतलब है मेटल्स। तो आप चाहो तो एक और टेबल बना सकते हो। यहाँ भी कॉलम होंगे सीरियल नंबर, दूसरा कॉलम होगा कि वो चीज किससे बनी हुई है। अच्छा, और उसके सामने में उस चीज से बनने वाली वस्तुओं के नाम लिखने हैं, सामानों के नाम से लिखने हैं। जैसे धातु से बनी हुई चीजों के नाम आप क्या-क्या लिखोगे? धातु से बनी हुई चीज का नाम आप लिख सकते हो कंटेनर, यूटेंसिल्स, बर्तन हो गए, है ना, मशीनरी हो गई, कार हो गई, साइकिल हो गई, बहुत सारी चीजें हैं। तो थोड़ा सा सोचना है, थोड़ा सा चर्चा करना है आपको अपने दोस्तों के साथ में, भाई बहनों के साथ में, और सोच करके देखो क्या सोचना है कि चीजें किन-किन चीजों से बनती हैं, और धातुओं से, मेटल्स से क्या-क्या बनता है, प्लास्टिक से क्या-क्या बनता है, पेपर से क्या-क्या बनता है। तभी तो आगे चल करके हम इन चीजों का ग्रुप बनाने की बात करेंगे, है ना। आप ऐसा देख सकते हो कि एक ही सीक्वेंस में आई हुई चीजों में से कुछ के गुण सिमिलर हो सकते हैं, हो सकते हैं ना। अच्छा, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट पदार्थों के गुण, पदार्थों के गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटेरियल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटेरियल्स, ऐसा कह सकते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है? कठोरता, हार्डनेस, उसका कठोर होना, ठीक है। तो अच्छा, जैसे कि एक और छोटा सा टेबल बनाते हैं, उसमें आपको तीन कॉलम बनाने हैं, लिखना है पदार्थ का नाम, नेम ऑफ द मटेरियल्स, दूसरे कॉलम में लिखना है कि क्या हम उसे खरोंच सकते हैं, और तीसरा क्या हम उसे दबा सकते हैं।
ये तीन कॉलम रखने हैं। नेम ऑफ द मटेरियल्स, क्या हम उसे खरोंच सकते हैं और क्या हम उसे दबा सकते हैं, ये चीजें, ठीक है। अच्छा, आपको ये भी लिखना है कि क्या जिस पदार्थ को हम लोग दबा रहे हैं उसे खरोंचना आसान है या नहीं। तो वे पदार्थ जो आसानी से दबाए अथवा खरोंचे जा सकते हैं वो कोमल पदार्थ हैं, और जिन पदार्थों को दबाना कठिन है वे कठोर कहलाते हैं। तो बताइए आप कि रुई, स्पंज और लकड़ी कठोर हैं या कोमल, या इसमें से कुछ कठोर हैं और कुछ कोमल हैं। अच्छा, अब सोचते हैं एक और एक्टिविटी के बारे में। आप में से कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि भाई इस लेक्चर में खास बात क्या है कि ये बार बार एक्टिविटी एक्टिविटी की बातें हो रही है। तो साइंस तो प्रैक्टिकल चीज है ना बच्चों, यू विल हैव टू डू एक्टिविटी, आप करके सीखोगे समझोगे, ये कोई रट्टा लगाने वाली चीज नहीं होती। तो तीसरी एक्टिविटी है कि विभिन्न पदार्थों को, यू हैव टू कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, क्या क्या, गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्युमिनियम की पन्नी, चौक के छोटे छोटे टुकड़े, इन्हें इकट्ठा कीजिए। क्या इनमें से कोई चमकीला दिखाई देता है, किसी में ब्राइटनेस है क्या? और अगर जो जो चीजें चमकीली हैं उनका एक अलग ग्रुप बनाइए। क्या आप इन पदार्थों में किसी इसी प्रकार की चमक देखते हैं? पदार्थों की सतह को आप श्रेस पेपर से, रेगमाल से जरा सा रगड़ करके देख सकते हैं, या फिर रेत में उसे रगड़ करके भी देख सकते हैं कि क्या वे चमकने वाले हैं या नहीं। तो पदार्थ जिनमें इस प्रकार की चमक होती है वे प्रायः धातु होते हैं, और इस तरह की चमक को हम लोग इंग्लिश में लसर बोलते हैं, LUSTRE। तो लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, सोना, ये सारे के सारे मेटल्स हैं। इसमें से कुछ धातुएं अक्सर अपनी चमक खो देती हैं। कैसे? वो एक्चुअली ऐसा होता है ना कि वायुमंडल में से जो हवा है, पानी है, नमी है, इसके साथ में रिएक्शन करके अक्सर उनका ऑक्साइड बन जाता है, जैसे कि लोहे के ऊपर में जंग लग जाना, तो ऐसे में ये अपनी चमक खो देते हैं। लेकिन हम इन्हें चाहें तो ताजे कटे हुए नींबू से रगड़ करके इसकी चमक को देख सकते हैं। अच्छा, अब जैसे हम लोगों ने अभी अभी पदार्थ के एक गुण की बात की, वो था किस चीज के बारे में, कठोरता के बारे में। दूसरा हम लोगों ने पदार्थ के दूसरे गुण के बारे में बात किया जिसका नाम था चमक, कि क्या उनमें चमक है कि नहीं, लसर है कि नहीं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं पदार्थों के तीसरे गुण का, इसका नाम है घुलनशीलता, कि क्या वो लिक्विड में, पानी में सॉल्युबल है या नहीं, उसे हम घोल सकते हैं या नहीं। तो फिर से एक एक्टिविटी करते हैं। आपको अब की बार जो चीजें इकट्ठा करनी है उसके नाम है, कांच के चार ग्लास चाहिए, शीशे के चार ग्लास, चम्मच चाहिए, शक्कर चाहिए, रेत चाहिए, नमक चाहिए और चौक का चूर्ण चाहिए। चौक वही चौक जिससे हम लोग बोर्ड पर लिखते हैं। अच्छा, तो कांच के जो हम लोगों ने चार ग्लास लिए, इसमें सबको 75% हिस्से को पानी से भर देना है। अच्छा, अब इन ग्लासों में एक एक करके, एक में एक चम्मच शक्कर, मेरा मतलब है चीनी, उसे डालेंगे, दूसरे में एक चम्मच रेत डालेंगे, तीसरे में एक चम्मच नमक डालेंगे और चौथे में एक चम्मच चौक पाउडर डालेंगे। अब चारों ग्लास को बारी बारी से चम्मच से हिलाइए, और जब चारों ग्लास को आपने चम्मच से थोड़ा थोड़ा ऐसे करके हिला दिया, उसके बाद आप थोड़ी देर तक 5 मिनट को, 10 मिनट को उसे स्टेबल छोड़ दें। अब उसके बाद जब आप इनको देखेंगे तो इसमें जो भी डेटा निकल करके आता है, जो भी ऑब्जर्वेशन है, यू हैव टू राइट इट डाउन, आपको इसे लिखना है। कहाँ लिखना है? आप इसे पेपर पर लिखने की कोशिश करो। सो हेयर योर कॉलम्स विल बी सीरियल नंबर, नेम ऑफ द मटेरियल और सॉल्युबल है या नहीं है, ठीक है। तीन कॉलम होंगे, सीरियल नंबर, पदार्थ का नाम और वो घुलता है या नहीं घुलता। अब लिखना है चीनी के बारे में, शक्कर के बारे में, कि क्या वो पानी में घुल गया, ऑब्वियसली घुल जाएगा। रेत, क्या वो घुल गया, तो आपको लिखना है, मैं अभी बताऊंगा नहीं, क्योंकि आपको कुछ चीजें करके भी देखनी चाहिए। और ऐसी ही बातें आपको नमक के बारे में लिखनी है, चौक के बारे में लिखनी है, कि ऑल दीज फोर मटेरियल्स वेदर दीज आर सॉल्युबल और नॉट, ये चारों के चारों घुल सकती हैं या नहीं घुल सकती हैं।
आप ये पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूरी तरह से विलीन हो गए, घुल गए, है ना। और हम इसे क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि ये पदार्थ जो जल में विलेय हैं, घुलनशील है, जबकि कुछ अन्य पदार्थ भी हैं जो जल में नहीं घुलते। ये पदार्थ जो जल में नहीं घुलते उन्हें हम अविलेय या अघुले अघुलनशील कहते हैं, इनसॉल्युबल कहते हैं। तो जल में कई पदार्थों को घोलने की क्षमता होती है, जल को इस स्थिति में घोलक या विलायक कहेंगे। क्या जल के अलावा, पानी के अलावा अन्य कोई पदार्थ भी घोल करके रख सकता है? आप सपोज करो कि आपके हाथ में कभी कालिख लग जाए, पेंट लग जाए, अलकतरा कोल तार लग जाता है, तो आप इसे कैसे साफ करते हो? सोच करके देखो, एक बार मम्मी से पूछ करके देखो, टीचर से पूछ करके देखो। तो अक्सर अगर आपके हाथ में कोई तेलीय पेंट लग जाता है या कोलतार लग जाता है, तो हम लोग इसे केरोसिन आयल से साफ करते हैं, वही केरोसिन आयल जिसे हम लोग कुछ लोग घरों में मिट्टी का तेल भी बोलते हैं। तो ये केरोसिन का तेल आपके हाथ में लगे हुए कोलतार को साफ कर देता है। सो बहुत सारे पदार्थ जल में घुलनशील हैं, इसलिए हमारे शरीर की प्रक्रियाओं में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो अभी अभी जो हम लोगों ने एक छोटी सी बात करी कि क्या वो जो केरोसिन तेल है वो आपके हाथ में लगे हुए अलकतरा को क्या करता है, वो उसे डाइल्यूट कर देता है, घोल देता है। अच्छा, आपको जरा सा सोचना है कि कोई चीज पानी में अगर हम घोलें तो कितना घोलेगा? क्या एक गिलास पानी में हम आधा किलो चीनी घोल सकते हैं, 250 ग्राम नमक घोल सकते हैं, 100 ग्राम बालू घोल सकते हैं क्या? है ना। तो कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो ठंडे पानी में कम घुलते हैं पर गर्म करने में ज्यादा घुलते हैं। सो नाउ वी विल डू वन मोर एक्टिविटी। अब इसमें क्या करना है, आपको आधा कटोरी पानी लेना है, उसमें आधा चम्मच चीनी डालें और चम्मच से मिलाएं। घुलने पर आधी चम्मच चीनी फिर से डालिए और फिर मिलाइए। क्या चीनी घुली? और ऐसा आप तब तक करें जब तक चीनी पानी में घुलती रहे। नहीं घुलने पर पानी को गर्म कीजिए और फिर ऑब्जर्वेशन कीजिए, आप देखेंगे कि पेंटी में पड़ी चीनी घुल जाती है। तो अन्य घुलनशील पदार्थों के साथ भी ये प्रोसेस आपको रिपीट करना है। तो दूसरी पदार्थ क्या क्या हो सकते हैं? चीनी हो सकते हैं, रेत हो सकते हैं, नमक हो सकता है, चौक हो सकता है। और आप ध्यान देना कि रेत घुलेगी नहीं, चौक के घुलने की एक लिमिट होगी। तो अगले टेबल में आप क्या क्या लिखोगे? आप लिखोगे नेम ऑफ द मटेरियल्स पहले कॉलम में, दूसरा ठंडे जल में कोल्ड वाटर में कितना घुल जाता है और गर्म करने पर कितना घुल जाता है, ठीक है। तो इस टेबल से आपको ये पता चलेगा कि पानी की निश्चित मात्रा में किसी पदार्थ की अधिकतम कितनी मात्रा घुल सकती है, और इसे पदार्थ की घुलनशीलता, विलेयता कहते हैं। और इन घोलों को हम लोग क्या कहते हैं? संतृप्त घोल, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो गर्म करने पर किसी भी घोल में घुली पदार्थ की घुलने की क्षमता बढ़ जाती है। कुछ गैसें भी जल में घुलनशील हैं, परंतु गर्म करने पर गैस की घुलनशीलता घट जाती है। अच्छा, एक्चुअली सोच करके देखो कि गर्म करने पर क्या होता है, आखिर क्या होता है? तो किसी सैचुरेटेड घोल में, किसी संतृप्त घोल में अगर अधिक पदार्थ घुलना हो तो आप क्या करेंगे, घोल को गर्म करके देखिए। नमक के संतृप्त घोल को गर्म कीजिए और उसमें आधा चम्मच नमक डालिए। क्या यह घुला हुआ? फिर से गर्म कीजिए और नमक डालिए। फिर क्या थोड़ा और घुल गया? बच्चों, इसके बारे में एक चीज अगर हम कहें तो इसे कभी कभी अगर आप अपनी माँ से चर्चा करो तो वो आपको ये चीजें करके दिखा सकती हैं। जब वो घरों में पकवान बनाती हैं, गुलाब जामुन बनाती हैं, रसगुल्ले बनाती हैं, इस तरह की चीजें, तो जैसे गुलाब जामुन या जलेबी बनाएंगी तो उसके लिए चीनी की चाशनी बनानी होती है। तो ये चाशनी कैसे बनाते हैं, इसके बारे में आप अपनी मम्मी से, बड़ी बहन से, भाभी से बातें कर सकते हो, और ये इस प्रयोग को समझने में काफी मदद करेगा। नाउ वन मोर एक्टिविटी, एक्टिविटी नंबर 6, सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल या नारियल का तेल, मिट्टी का तेल भी लेना है या कोई और भी लिक्विड अगर मिल जाए तो इन सब के सैंपल इकट्ठे करने हैं। कैसे करेंगे? कांच का एक ग्लास लीजिए। अब इसके आधे भाग को आधा ग्लास पानी भर दीजिए। अब इसमें एक कुछ चम्मच भर करके कोई भी द्रव मिलाइए, जैसे कि एक बार सिरका मिला करके देखिए, एक बार सरसों का तेल मिला करके देखिए, और उसे खिलाइए, ठीक है। अब इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए।
तो आप क्या आप जो ऑब्जर्व करोगे कि क्या यह द्रव जल के साथ में मिश्रित हो जाता है, घुल जाता है। कौन कौन से द्रव थे? वो द्रव थे सिरका था, है ना, शहद भी डाल सकते हो, सरसों तेल भी डाल सकते हैं, नारियल का तेल भी डाल सकते हैं, जो भी लिक्विड्स आपके आसपास में आसानी से अवेलेबल हो और जो टॉक्सिक ना हो उन्हें इस्तेमाल करें। और आपको फिर से एक टेबल बनाना है जहां पर आप अपने इस एक्टिविटी का यहाँ पर ऑब्जर्वेशन नोट कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या कॉलम बनाओगे आप? आपको कॉलम बनाने होंगे नेम ऑफ द लिक्विड, द्रव का नाम, और जो अच्छे से मिल जाता है जैसे कि भली भांति मिश्रित होता है, और जो अच्छे से नहीं मिलता है, नहीं मिश्रित होता है। तो जो लिक्विड्स आपको यूज करने हैं वो होंगे सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल, नारियल का तेल, केरोसिन तेल, ठीक है। तो आप देखोगे कि इसमें से कुछ द्रव पानी में मिल जाते हैं, कुछ और लिक्विड जो है वो नहीं मिलते हैं। या अगर थोड़ी देर तक आप ऐसे ही छोड़ दोगे तो आप देखोगे कि पानी की परत के ऊपर या नीचे उनकी अपनी एक और परत है। तो कुछ गैसें जल में घुलनशील हैं, जबकि कुछ और गैसें हैं जो जल में घुलनशील नहीं है। जल का मतलब वाटर है, कंफ्यूज नहीं होना है। सामान्यतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में घुलनशील हैं। गर्म जल में ऑक्सीजन की घुलनशीलता घटती है। जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतुओं और पादपों, मतलब मेरा मतलब है प्लांट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो यही बात है ना कि समुद्र के पानी में, नदी के पानी में ऑक्सीजन घुला हुआ होता है, इसीलिए उसके अंदर रहने वाले मेंढक, कछुए, है ना, मछलियां हैं, और भी बहुत सारे जो तरह तरह के छोटे छोटे पानी में रहने वाले एक्वेटिक एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, वो उसका इस्तेमाल करते हैं। अब एक और एक्टिविटी है जहां पर हम लोग इस चीज के बारे में चर्चा करेंगे, पारदर्शिता के बारे में, ट्रांसपेरेंसी के बारे में, है ना, कि किन चीजों के हम आर पार देख सकते हैं। तो आपको कांच का टुकड़ा लेना है, प्लास्टिक की थैली, गत्ता, कागज, इस तरह की चीजें इकट्ठी करनी है। अच्छा, अब एक एक करके इन सब को लेकर के एक जलते हुए बल्ब को देखने की कोशिश करनी है। तो अगर आप जैसे कांच का टुकड़ा लेकर के उसको बल्ब को देखने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? प्लास्टिक की थैली के उस पार में जलते हुए बल्ब को देखेंगे तो क्या होगा? गत्ते के उस पार में जलते हुए बल्ब को देखेंगे तो क्या होगा? और फिर आपको इससे भी चीजों का एक ग्रुप बनाना है कि वो चीजें जिसके हम आर पार प्रकाश को देख पाते हैं और वो चीज जिसके आर पार प्रकाश नहीं दिखाई देता, या मेरा चेहरा, अपना चेहरा नहीं दिखाई देता, है ना। तो हम इन चीजों को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, जिन चीजों के आर पार हम नहीं देख पाते, वी कैन से दैट अपारदर्शी, है ना, उन्हें हम अपारदर्शी कह सकते हैं। और जिन चीजों के आर पार हम देख पाते हैं, भले वो थोड़ा सा धुंधला सा हो, तो उसे हम पारभाषी पदार्थ कहते हैं। अब एक और प्रॉपर्टी है मटेरियल्स का, वो है उत्प्लावकता। प्लवन भी कहते हैं, फ्लोटेशन भी कहते हैं, कि कौन कौन सी चीजें पानी में फ्लोट करेंगी, कौन कौन सी चीजें पानी में फ्लोट नहीं करेंगी। तो कुछ पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं हो पाते, वे जल की सतह पर आकर के तैरने लग जाते हैं। अन्य चीजों का क्या होता है? वो गिलास की तली में डूब जाती हैं। आप ऐसा करो ना कि एक गिलास पानी ले लो, उसमें थोड़ा सा ऊपर में खाली रखना है, उसमें एक पेंसिल डालो, एक रबर डालो, एक पत्ता को डाल दो, एक कॉर्क का टुकड़ा डालो, एक चाबी डालो, एक सिक्का डालो, और इन्हें जरा सा चम्मच से घोल करके देखो, फिर देखोगे कि कौन कौन सी चीजें ऊपर में तैर रही हैं और कौन कौन सी चीजें डूब जाती हैं, है ना। अच्छा, आप चाहो तो इसमें शहद की कुछ बूंद डाल करके भी देख सकते हैं कि क्या वह ऊपर में तिरती हुई दिखती है या पानी में डूब जाती है। तो आपको ये एक्टिविटी करके दो ग्रुप बनाने हैं मटेरियल्स के, वो चीजें जो पानी में तैरती रहती हैं और वो चीजें जो पानी में डूब जाती हैं। तो पानी में तैरने वाली और पाने वाली डूबने वाली चीजों के दो ग्रुप बन जाएंगे। तो पानी पर तैरने वाली वस्तुएं हल्की तथा पानी में डूब जाने वाली वस्तुएं भारी होती हैं। लोहे की बनी वस्तुएं पानी में डूब जाती हैं, एक छोटा सा जो पिन हो वो भी डूब जाता है, परंतु लोहे का बना जहाज अपनी विशिष्ट आकृति, स्पेशल शेप की वजह से वो नहीं डूबता है।
और इसके बारे में हम लोग कभी अच्छे से बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो बच्चों, अभी तक में हम लोगों ने ये सीख लिया है कि पदार्थों के अपने भिन्न भिन्न आकार, आकृति तथा गुण होते हैं ना, शेप, साइज, प्रॉपर्टीज, और इनके जल और अन्य द्रवों में मिश्रित होने के ढंग भी अलग अलग होते हैं। वे जल में तैर सकते हैं या फिर डूब सकते हैं, वो पारदर्शी हो सकते हैं, अपारदर्शी हो सकते हैं, पारभासी हो सकते हैं। पारदर्शी जिसके आर पार दिखाई दे, अपारदर्शी जिसके आर पार दिखाई ना दे, और पारभासी उसे कहते हैं जिसके आर पार धुंधला दिखाई देता है। तो पदार्थों का समूह हम उनके गुणों में सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के बेसिस पर भी बना सकते हैं। हमें पदार्थों को समूहों में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? दैनिक जीवन में हम प्रायः पदार्थों का वर्गीकरण या समूहन अपनी सुविधा के लिए करते हैं। घर में हम अपनी वस्तुओं का भंडारण सामान्यतः इसी प्रकार करते हैं, जैसे कि एक जैसी वस्तुएं एक साथ रखी हो। इस चीज को अगर समझना हो तो दो बड़े अच्छे एग्जाम्पल आपके घर में ही मौजूद हैं। एक तो है मम्मी का किचन। आप मम्मी से बातें करो और देखोगे कि मम्मी ने सारे पिकल्स को, अचार को एक जगह पर रखा हुआ है, सारे सॉस को उन्होंने एक जगह पर रखा हुआ है, सारे दाल को उन्होंने एक जगह पर रखा हुआ है ना, चाय पत्ती, चीनी, कॉफी, इन्हें एक ही जगह पर रखा है। तो ऐसा क्यों है? उन्होंने भी मटेरियल्स को सॉर्ट आउट किया हुआ है और एक जैसी चीजों को एक जगह पर रखा है। अब आप अपने बड़े भाई से भी बात कर सकते हो कि उसका अगर अपना स्टडी रूम है तो आप पूछो भैया से कि भैया किताबें कैसे रखते हो, भैया बड़ी दीदी भी हो सकती है, तो वो तुम्हें बता सकती हैं कि उन्होंने या तो क्लास के हिसाब से किताबों को रखा है या फिर सब्जेक्ट्स के हिसाब से किताबों को रखा है, कि एक सब्जेक्ट की सारी किताबें उन्होंने आसपास में एक लाइन में एक रैक में रखी हैं। तो इसे ही हम कहते हैं ग्रुप बनाना। तो हम लोग पदार्थों को, मटेरियल्स को ग्रुपों में क्यों रखते हैं? ताकि हम उन्हें आसानी से छांट सकें, चुन सकें, ढूंढ सकें। तो इसी प्रकार की व्यवस्था है ये ग्रुप करने की, जिससे हम आसानी से उनका पता लगा सकते हैं। यही चीज तुम्हें दवा की दुकानों में भी मिलेगी। वो या तो दवाओं को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखते हैं या फिर एक तरह की दवाओं को एक जगह पे रखते हैं। और ये आपको किराने की दुकानों में भी मिलेगा, जहां पर वो बिस्कुटों को एक कोने में रखता है, सारे कॉस्मेटिक्स को, सोप को एक जगह पे रखता है, सारे अनाज और दालों को एक जगह पर रखता है। तो इस प्रकार का जब हम ग्रुप बनाते हैं तो इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं और भी बहुत सारे कारण हैं। पदार्थों को इस प्रकार समूहों में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन तथा इन गुणों में किसी प्रतिरूप पैटर्न का अवलोकन करना सुविधाजनक बन जाता है। और इसके बारे में और भी सारी बातें हम अगले चैप्टर में करेंगे। अगले चैप्टर का आपका नाम होगा, उसका नाम होगा पृथक्करण। हाउ डू वी सेपरेट थिंग्स, हाउ डू वी सेपरेट मटेरियल्स, एक को दूसरे से अलग कैसे करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इस चैप्टर में कुछ न्यू वर्ड्स हैं जो थोड़े से साइंटिफिक भी होंगे, आपको इन्हें जरूर समझना और इस्तेमाल करना चाहिए। सो द फर्स्ट वन इज कठोर, हार्ड, अपारदर्शी, ओपेक, अघुलनशील, इनसॉल्युबल, खुरदुरा, रफ, चमक, लसर, साइन, घुलनशील, घुलनशील, तो ये होता है विले, सॉल्युबल, पदार्थ, सब्सटेंस, मटेरियल्स, पारभासी किसे कहते हैं हम लोग, ट्रांसलूसेंट, मेटल्स उन्हें हम धातु कहेंगे, पारदर्शी, पारदर्शी क्या होगा, वो ट्रांसपेरेंट होगा, ठीक है बच्चों। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा? हमने सीखा कि सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न पदार्थों से बनी हैं, पदार्थों का ग्रुपीकरण, मेरा मतलब है समूहन, उनके गुणों में सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के बेसिस पर करते हैं। कुछ पदार्थ कठोर होते हैं, कुछ कोमल होते हैं, कुछ में चमक होती है, कुछ में नहीं, कुछ पदार्थ द्रव में घुलनशील हैं, कुछ अघुलनशील हैं, कुछ पदार्थ जल में डूब जाते हैं जबकि कुछ तैरते रहते हैं। तो ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपका ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। जल्दी ही हम लोग इसका एक फॉलो अप लेक्चर सेशन रखेंगे, जिसमें मैं आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना बताऊंगा, और साथ में ही मैं आपको और भी बहुत सारे लेक्चर्स में साइंस के डालूंगा।
थोड़े दिनों के अंदर में। आप मेरे चैनल का नाम याद रखना, इसे शेयर करना, सब्सक्राइब करना, है ना। इसका नाम क्या है? न्यू एज कोचिंग। तो अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करना। फिर मिलते हैं।